अनिशा जी, आपको ट्रोल करा जा रहा है कि आपने जो कंट्रोवर्सी किया है एल्विस के साथ में, वो सब फेक है, सॉन्ग के लिए किया है, पब्लिक एंगेजमेंट के लिए क्या, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? ये फेक है कि आप हंस रहे कुछ बात है? मुझे लग रहा है मनीषा रानी लाइक का जरूरत नहीं है, हम जो कर देते हैं वो ऐसे वायरल है, और कुछ हम आज तक कभी भी व्यूज लाइक के लिए कुछ नहीं किए, वो व्यूज लाइक के लिए कौन क्या करता है ये सबको पता है, इसलिए हमको बोलने का जरूरत है। और आई थिंक जो हमारी फैंस है, जो ऑडियंस है, वो बहुत बहुत समझदार है। आई नो दे आर वेरी इनोसेंट, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत समझदार है, कौन कितना रियल है लोग समझ जाते हैं। लेकिन एक लग रहा है, आपको लग रहा है एक पैटर्न बन गया ये सब फेक कंट्रोवर्सी करने का व्यूज के लिए, फैंस के लिए? देखिए पैटर्न है, जरूर है, हाँ वो तो है। मुझे लगता है हम लोग कंट्रोवर्सी करके लोग आई थिंक जो फेमस होते हैं वो कुछ दिन तक ही टिक पाते हैं, हाँ। जो एक्चुअली में मेहनत करते हैं या फैन बेस वो ज़्यादा दिन चलते हैं, तो जो करते हैं वो उनका तरीका है, बट आई डोंट बिलीव इन कंट्रोवर्सी। मेरा तो काम है कि मेहनत करो, नाम करो। जी जी, थैंक यू मनीष, बाय 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 बाय। आप अपना ख्याल रखिए और सही लड़का है आप, ये सबको पता है, इसलिए हमको बोलने का जरूरत है। और आई थिंक जो हमारी फैंस है, जो ऑडियंस है, वो बहुत बहुत समझदार है। आई नो दे आर वेरी इनोसेंट, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत समझदार है, कौन कितना रियल है लोग समझ जाते हैं। लेकिन एक लग रहा है, ये आपको लग रहा है एक पैटर्न बन गया ये सब फेक कंट्रोवर्सी करने का व्यूज के लिए, फ्रेंड्स के लिए? देखिए अभी पैटर्न है, जरूर है, लेकिन हाँ वो तो है। मुझे लगता है हम लोग कंट्रोवर्सी करके लोग आई थिंक जो फेमस होते हैं वो कुछ दिन तक ही टिक पाते हैं, हाँ। जो एक्चुअली में मेहनत करते हैं या फैन बेस बनाते हैं वो ज़्यादा दिन चलते हैं, तो जो करते हैं वो उनका तरीका है, बट आई डोंट बिलीव इन कंट्रोवर्सी। मेरा तो काम है कि मेहनत करो, नाम बनाओ। जी जी जी, थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू, बाय बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, सही लगता है आप।